हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है पद्मावत से जुड़ी हुई, वो आपको बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि जोधा अकबर जब 2008 में आई थी उसके ऊपर किस तरह का इश्यूज हुआ था और क्यों बताऊंगा कि क्या अब फाइनल आउटकम हो सकता है, वो सब इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं कि कल तक खबर जो आई थी, मतलब आज सुबह ही तक आई थिंक पता चला कि राजस्थान गुजरात के बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी फिल्म बैन हो चुकी है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर हैंडल पर जाके खुद ही कह दिया पब्लिकली, भैया हम तो बैन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अब नया क्या है इसमें। नया ये है कि जो पद्मावत मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि भैया मतलब आप देखिए सर कि किस तरह से ये मूवी बैन हो रही है, क्या लगता है कितना सही है। वो अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या होगा इस मूवी का भविष्य, क्या होगा इन चार स्टेट्स में जहां पर बैन हुई है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, वो भी फिल्म का जोधा अकबर का जो 2008 में आई थी, क्योंकि वो फिल्म जब रिलीज होने वाली थी उसके पहले भी बहुत ज्यादा इश्यूज हुआ था, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। 2008 था और ये 2018 है, यानी कि 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में क्या चेंज हुआ है इंडिया में? कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जो प्रदर्शनकारी थे उस टाइम पे वो शायद बुजुर्ग हो गए होंगे, उनकी फैमिली हो गई होगी, या फिर वो जो ग्रुप रहा होगा उसका नाम शायद बदल के अब दूसरा कोई ग्रुप होगा। सिचुएशन सेम है, मानसिकता सेम है लोगों की, जहां तक मेरा कहना है। काफी जो रेस्ट्रिक्शन सिनेमा पे नहीं होना चाहिए, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं उनके ट्वीट में, ऑलरेडी उन्होंने कहा था देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन इन सिनेमा इन द आर्ट फॉर्म। ये क्या है? ठीक है, यही तो है रेस्ट्रिक्शन। उस समय जोधा अकबर पे 6 से 7 स्टेट्स में बैन लगा था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सिर्फ 5 स्टेट से वो फ्री हो गई, एक ही स्टेट में सिर्फ बैन लगा रह गया था, राजस्थान में वो रिलीज नहीं हो पाई थी, उसके अलावा बाकी स्टेट्स में वो रिलीज कर दी गई थी, बैन फिर हट गया था। तो इस बार भी ऐसा होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, कहीं रिलीज हो या ना हो, राजस्थान में मतलब बहुत मुश्किल, बाकी जगह रिलीज होने के चांसेस अभी भी है। तो जो फैन है जो पद्मावत के, वो मान लीजिए कि अभी भी वक्त है, दिल्ली दूर नहीं है, उम्मीद है अच्छा हो जाए। अगर प्रॉब्लम होता होगा तो नहीं रिलीज होगी, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो नहीं रिलीज करे, वही सबसे बेहतर ऑप्शन है। नहीं तो ये होगा कि 1-2 स्टेट्स में बैन रह जाएगी, बाकी जगह रिलीज होगी, यानी कि पैडमैन को कड़क टक्कर देने वाली है फिल्म। लेकिन मैं अब फिलहाल मकसद कुछ कॉम्पिटिटिव बात नहीं करना है पैडमैन और पद्मावत का, फिलहाल से मकसद है ये देखना या ये बताना कि किस तरह से सालों साल हमारी जो फिल्मों के प्रति जो लोगों का रवैया है वो काफी हद तक चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद में सब कहते हैं कि हमारे पास ऑस्कर्स नहीं आते, हमारे पास ये अवार्ड नहीं आते, हमारे पास वो अवार्ड नहीं आते, क्योंकि हम लिबर्टी ही नहीं देते हैं, हम सिनेमा को लिबर्टी नहीं दे रहे हैं। और सिनेमा को जब तक लिबर्टी नहीं मिलेगी तब तक जो आर्ट फॉर्म है वो प्रॉपर उभर के आएगा नहीं। आज कालाकांडी जैसी फिल्म बन रही है, आज न्यूटन जैसी फिल्म बन रही है, आज शुभमंगल सावधान जैसी फिल्म बन रही है, 10 साल पहले हम इमेजिन नहीं कर सकते थे ये सब फिल्में, इमेजिन कर सकते थे क्योंकि और स्ट्रिक्ट था उस समय। अब हम थोड़ा ओपन हो रहे हैं, टाइम लगेगा मैं जानता हूँ, बट स्टिल ओपन हो रहे हैं। ये ओपन होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो आर्ट फॉर्म है मेरे हिसाब से बहुत रिच है, बहुत रिच मतलब बहुत डीप और रिच है। और अगर हमारे पास बंदिश ही नहीं रही सेंसर बोर्ड की, तो हमारा जो आर्ट फॉर्म रहेगा वो बहुत ही उभर के आएगा। फिर हमें ये कभी कंप्लेंट नहीं रहेगी तो कि भैया हम हमेशा अच्छी फिल्म नहीं बनाते, हॉलीवुड वाले ही अच्छी फिल्म बनाते या दूसरे कंट्रीज वाले अच्छी फिल्म बनाते, तो ये कभी इश्यूज नहीं रहेगा। तो आई होप वो दिन जल्दी आए, वो आई थिंक गोल्डन एरा वापस आ जाए जिसकी हमें तलाश है, ये जो कभी था रहा करता था 50s 60s का दौर में इंडियन सिनेमा कितना टॉप पे था, वो बड़ी बात थी। उसके बाद वो दौर शायद ही अभी तक लौटा नहीं है, आई होप वो दौर कभी ना कभी लौटेगा तो अच्छा लगेगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल इतना ही।